हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूनिक स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे का, का हम जानेंगे कि जो हम तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और बेल आइकन दबाना ना भूलें

इसका डेफिनेशन क्या होगा इसका डेफिनेशन ये होगा कि जो भी हम लोग जो लेटर लिखता है जो दूसरों को सेंड करता है लेटर उसको सेंडर्स एड्रेस कहते हैं। यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस लिखाएगा सेंडर्स एड्रेस में नेक्स्ट डेट इट रेफर्स टू द डेट ऑन विच डे दिटर्न डेट में क्या लिखाएगा जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट थर्ड नेम ऑफ द एड्रेसी इट रे फर्स टू दर्सन रिसिविंग द लेटर जो जिसको आप लेटर भेज रहे हैं जो आपका लेटर रिसीव करेगा उसको एड्रेस बोलते है उसका नाम लिखना है थर्ड स्टेप में सो दर्ड स्टेप इज नेम ऑफ द एड्रेसी नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इट रे फर्स्ट टू द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू विच द लेटर इज रिसीव्ड जिस आदमी को आप लेटर भेज रहे हैं और जहां भेज रहे हैं वहां का एड्रेस लिखना होता है अपना एड्रेस नहीं जिस रिसीवर को आप भेज रहे हैं उनका एड्रेस सो द फोर्थ स्टेप इज एड्रेस ऑफ द एड्रेस फिफ्थ सल्यूटेशन इट रेफर्स टू द मार्क विच द पर्सन इज डिनोटेड फॉर एग्जाम्पल डियर सर मैडम सेल्यूटेशन सबको रेफर करता है वो मार्क बताता है जिस मार्क से आप पर्सन को डिनोट कर रहे हैं चाहे वो डियर सर हो या मैडम सो इट इज कॉल्ड द सेल्यूटेशन एंड द फिफ्थ स्टेप इज आल्सो कॉल्ड सेल्यूटेशन नेक्स्ट सब्जेक्ट इट रेफर्स टू द टॉपिक ऑन द लेटर इज रिटन सब्जेक्ट में वो टॉपिक लिखाता है जो मेन है जिसके पढ़ते ही हम लोग को पता चल जाए कि किस प्रॉब्लम या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं सो द दिक्स स्टेप इज सब्जेक्ट नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इट रेफर्स टू द एसोसिएशन टू विच द लेटर इज रिटर्न इंट्रोडक्शन में हम लोग बताते हैं कि किस एसोसिएशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं हम लोग उनको इंकरेज करते हैं हम लोग उनको बोलते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज पेपर एसोसिएशन एवरीथिंग इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन सो दिस स्टेप एंड द सेवेंथ स्टेप इज इंट्रोडक्शन

नेक्स्ट कंक्लूजन इट रेफर्स टू द लास्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल आई होप रिगार्ड एक्सेट्रा कंक्लूजन भी बॉडी का ही पार्ट है लेकिन वो लास्ट कंटेंट है बॉडी का जैसे कि हम लोग पूरा लेटर लिख लेते हैं तो हम लोग फिर लास्ट में लिखते हैं कि आई होप यू विल लिसन विलई वर्ड्स एंड टेक सम रियक्शन सो इस लाइन को हम लोग कंक्लूजन बोलेंगे सो द नाइन्थ स्टेप इज कंक्लूजन नेक्स्ट

में क्या लिखते हैं जो sender, यानि कि आप अगर letter लिख रहे हो तो आपका नाम उस last closing point के नीचे लिखाता है आपका सेंडर का नाम तो यहाँ पे जो लास्ट एंड है वो है नेम ऑफ sender। अब हम लोग सारे स्टेप्स को लाइन by लाइन देख लेते हैं फर्स्ट वॉज एड्रेस ऑफ द सेंडर नेक्स्ट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट Name of the addressee, next address of the addressee, salutation, subject, introduction, body, conclusion, closing point, and the last is name of the sender. I hope that you have understood all the formats of the formal letter. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and share. और हाँ अगर आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर या फिर कोई भी लेटर या बिजनेस लेटर के भी फॉर्मेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि आपके हर सवालों के जवाब आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे सो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू